इसमें प्रश्नावली 10.3 आपकी चल रही थी, प्रश्नावली 10.3 में प्रश्न नंबर 7 तक हम कर चुके हैं, प्रश्न नंबर 8 आज हम ले रहे हैं, जिसमें दो सदिशों ए और बी के परिमाण ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न ऐसा लिखा हुआ है, यदि इनके परिमाण समान है और इनके बीच का कोण 60 अंश का है तथा और इनका अदिश गुणनफल 1/2 है। इतनी कंडीशन आपको दे रखी है इन्होंने, और इतनी कंडीशन देने के बाद ए और बी के आपको परिमाण निकालने हैं, मतलब आपने परिमाण ए और बी के परिमाण निकालने हैं, आपने कितने आएंगे। और साथ में ये भी कह रहे हैं यदि इनके परिमाण समान है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इनके परिमाण समान भी हैं और वो हमने निकालने भी है। सपोज मैं इनका परिमाण x कह देता हूँ और ये x मैंने ज्ञात करना है, मैंने इसको मान लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, और इनके बीच का कोण थीटा बराबर आपको 60 डिग्री दिया है, और इनका अदिश गुणनफल ए डॉट बी आपको सेकेंड कंडीशन आपको दी है, फर्स्ट कंडीशन ये दे रखी थी ये बराबर है, सेकेंड कंडीशन ये है, थर्ड कंडीशन आपको दे रखी ए डॉट बी बराबर 1/2 है। बस आपको मालूम है परिभाषा के अनुसार ए डॉट बी बराबर होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, तो ए डॉट बी की जगह 1/2 रख देते हैं, मॉड ए और मॉड बी आपको बराबर मैंने एक्स मान रखे, तो एक्स डॉट एक्स ये गुणा हो रहे हैं, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे वो, और कॉस थीटा कॉस 60, तो ये एक्स स्क्वायर इंटू कॉस 60 1/2 होता है, ये भी 1/2, ये यहाँ से कैंसिल हो गया, तो आपके पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब यहाँ पे को आपने क्या निकालना है, जरा ध्यान दें, यहाँ पे को नोट देखिए, आपने मॉड निकालना है, मॉड का मतलब माइनस नहीं आएगा, इसलिए हमारे पास मॉड ए मॉड बी दोनों बराबर होने हैं, माइनस साइन को छोड़ देंगे तो प्लस साइन बना गया हमारे पास, ये आपका उत्तर मिल जाएगा। यदि एक मात्रक सदिश ए के लिए एक्स माइनस ए डॉट एक्स माइनस एक्स प्लस ए बराबर 12 हो तो मॉड एक्स मान जाते हैं। अब ए आपको दिया क्या है, मात्रक सदिश है, दिया है ए मात्रक सदिश है यानी मॉड ए बराबर 1, इसका अर्थ यही हुआ। इसके बाद दूसरी चीज आपको दी है एक्स माइनस ए का डॉट प्रोडक्ट है एक्स प्लस ए के साथ जो कि 12 दिया है, तो अब हम इसको हल कर देते हैं, मॉड एक्स मान गया तो मैं एक्स डॉट एक्स, इसका डिस्ट्रीब्यूट वितरण नियम लगाएंगे हम, तो एक्स को एक्स प्लस ए के साथ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, माइनस ए को एक्स प्लस ए के साथ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बराबर 12 आएगा, तो एक्स डॉट एक्स प्लस एक्स डॉट ए माइनस ए डॉट एक्स माइनस ए डॉट ए बराबर 12, तो एक्स डॉट एक्स मॉड एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स डॉट ए माइनस ए डॉट एक्स, या एक्स डॉट ए बात की होती है, माइनस मॉड ए का स्क्वायर बराबर 12, क्योंकि आपके पास एक्स डॉट ए बराबर ए डॉट एक्स, ये क्रम विनिमय नियम के अनुसार आपने लिखा है, ये दोनों कट गए, प्लस सॉरी ये माइनस इसका मान इसने 1 दे रखा है, 1 का स्क्वायर बराबर 12, तो मॉड एक्स का स्क्वायर माइनस 1 बराबर 12, तो मॉड एक्स का स्क्वायर बराबर 13, तो मॉड एक्स बराबर वर्गमूल 13। अब इसमें प्लस माइनस नहीं लेंगे, प्लस लेंगे तो ये प्लस 13 आएगा इसका उत्तर, क्योंकि माइनस लेंगे लेने पर मॉड का मान नहीं मिल पाएगा, मॉड का मान हमेशा प्लस होता है, तो ये प्लस √13 आएगा। प्रश्न नंबर 10, यदि a बराबर 2i प्लस 2j प्लस 3k, b बराबर माइनस i प्लस 2j प्लस k और c बराबर 3i प्लस j, इस प्रकार है कि a प्लस लैम्डा भी c पर लंब है, तो लैम्डा का मान क्या होगा, इतनी चीजें हमें दे रखी है। अब a प्लस आपको दिया क्या है, a प्लस लैम्डा b, ये लैम्डा हमें पता नहीं है, c पर लंब है ये बराबर, अगर ये लंब है तो इसका मतलब 0 हो जाएगा, मैं अगर लंब का चिन्ह भी बना दूं इसको ऐसे करके, ये वेक्टर है आपके पास, ये लंब का चिन्ह बना दिया, तो दिस इंप्लाइज इसका अर्थ होगा a प्लस लैम्डा b डॉट c बराबर 0, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर लंब होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट यानी अदिश गुणन 0 होता है, तो हम निकालते हैं a प्लस सबसे पहले लैम्डा b, तो आपके पास a की जगह 2i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा माइनस आई प्लस 2j प्लस k, ये आपके पास मिलता है, तो हम आई आई के कोफिशिएंट बराबर कलेक्ट कर लेते हैं, तो 2 माइनस लैम्डा आई मिल जाएगा प्लस j के कोफिशिएंट कलेक्ट करेंगे तो 2 कॉमन भी आ सकता है आपके पास,
वन प्लस लैम्डा जे और के कोएफिशिएंट कलेक्ट करेंगे प्लस थ्री प्लस लैम्डा के, ये आपको ए प्लस लैम्डा भी मिल जाता है। अब निकालते हैं इसका डॉट प्रोडक्ट समीकरण एक में, इसको दे देता हूं समीकरण एक से जो आपको दिया है, यानी a प्लस लैम्डा बी बराबर जीरो, नहीं सॉरी a प्लस लैम्डा बी डॉट सी बराबर जीरो आपको दिया है। अब मैं मान लिख देता हूँ a प्लस लैम्डा बी की जगह टू माइनस लैम्डा आई प्लस टू टाइम्स वन प्लस लैम्डा जे प्लस थ्री प्लस लैम्डा के डॉट सी की जगह हमने रख दिया थ्री आई प्लस जे इज इक्वल टू जीरो। अब आप जानते हो उसका डॉट प्रोडक्ट आप कैसे निकालते हैं, आपको मालूम है आई का आई के साथ वन होता है, आई का जे के साथ जीरो हो जाएगा, ऐसी जे का के साथ के का आई के साथ जीरो हो जाएगा, जे का जे के साथ वन होगा और के यहाँ पर कोई है नहीं, इसका डॉट प्रोडक्ट बाकी दो के साथ जीरो हो जाएगा। तो टू प्लस हमें फाइनल हल करके मिलेगा टू प्लस टू माइनस लैम्डा इंटू थ्री और ये प्लस टू टाइम्स वन प्लस लैम्डा जे का जे के साथ बड़ा होगा डॉट वन इज इक्वल टू जीरो। तो आपके पास आया टू थ्री सिक्स माइनस थ्री लैम्डा प्लस टू लैम्डा इज इक्वल टू जीरो। तो ये मैं आगे आपको माइनस लैम्डा इन दोनों को सॉल्व किया छः और दो आठ बराबर जीरो, तो लैम्डा बराबर एट, ये आपको लैम्डा का मान प्राप्त हो गया। इस प्रकार आपने देखा कि कैसे हम विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को हल करते हैं, और प्रश्नों को हल करने के लिए आपके पास एक ही सूत्र है सिंपल, ए डॉट बी बराबर मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू कॉस थीटा। और यदि लंब है, अधिकतर प्रश्नों में हमने इसमें लंब का यूज करना है, तो मॉड ए मॉड बी नहीं ए डॉट बी बराबर जीरो का हम इस पर उपयोग करते हैं। इस प्रकार हम बहुत सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। धन्यवाद।